जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसार। तो मेरे पास दो क्वेश्चन आए, एक वीडियो में आया है और एक मुझे पर्सनली पूछा गया है, बट दोनों को ही मैंने रिप्लाई नहीं दिया है अनफॉर्चुनेटली। बट क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसकी वीडियो बनाना बनता है। तो नितिन चंदन जी ने पूछा है कि सर, अगर आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो स्क्रीन पर, सर अगर कोई कपड़ा लॉन्ड्री में डैमेज हो जाता है, उसके लिए हमको कस्टमर को पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए? तो ये एक हो गया, साड़ी का ना डैमेज हो गया है, कस्टमर ने मुझसे पैसा मांगा है, तो मैं क्या करूं? प्लीज बताएं सर। मुझसे डैमेज होता है या नहीं होता है, पहले बात तो ये है, मुझसे भी डैमेज होता है, बट मुझसे आयरनिंग वगैरह, स्टीम आयरन या मेरे पास जो ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं उनसे थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। कस्टमर को मैं समझा देता हूँ और कस्टमर भी समझ जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, हम इसको पहन सकते हैं, हम उसको रिपेयर भी करके देते हैं, फटा हो जला हो तो रिपेयर भी करके देते हैं। 100% डैमेज ऐसा मेरे पास नहीं होता है बिल्कुल भी, मतलब 100% डैमेज हो गया और उनको पूरा पैसा देना है या फिर आधा पैसा देना, ये मेरे से आज तक नहीं हुआ है दोस्तों। ये आप लोग भी है ना, अच्छे से काम पहले सीख लीजिए फिर उसके बाद में काम कीजिए, क्योंकि काम एक दो साड़ियाँ आपने कर ली, दो चार साड़ियाँ कर ली, मतलब ऐसा नहीं कि आप सभी काम जान लोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एक दो काम अच्छा करने के बाद में, बट कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए रोज़ अलग अलग चैलेंजेस आते हैं लॉन्ड्री बिजनेस में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो पहले काम सीख लीजिए उसके बाद में काम कीजिए। और रही बात कस्टमर की, सबसे पहली और ज़रूरी बात, कस्टमर का कपड़ा अगर डैमेज हो गया, 100% डैमेज हो गया है ना, तो वो गुस्सा करेगा ही करेगा, बट आपका बिहेवियर कस्टमर के साथ में कैसा है, कितनी सुलझी हुई बात आप कस्टमर से करते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एकदम गुस्से में आप बोलोगे, फिर सामने वाला भी गुस्सा करेगा, तो फिर वो ज़्यादा बात बढ़ जाएगी और पैसे दे के भी आपका तो बहुत बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है, कस्टमर अगर गुस्सा कर रहा है ना, तो उसको बोलिए कि आप 2-3 दिन बाद आइए, दूसरे दिन आइए या तीसरे दिन आइए, हम अच्छे से बैठ के बात करेंगे, जो भी आप बोल रहे हो ना वो सारा कुछ मैं सुनूंगा और आपको पैसा काउंटर पे ही दूंगा, इस तरह से उसको बोलेंगे ना तो वो जाएगा, फिर आपको भी थोड़ा सोचने को टाइम मिलेगा, सामने वाले को भी सोचने को टाइम मिलेगा। और आप उसको कन्विंस कैसे करना है ये आपको सोचना है पहले। तो अगर वो बोलेगा कि मेरी 4,000 की साड़ी है और अगर वो एक्चुअल मार्केट रेट में 2,000 रुपये में मिल रही है, तो आप उतने टाइम में मार्केट में जाके पता कर सकते हो कि कितने में साड़ी मिलती है। और अगर कस्टमर की नई ही साड़ी है, मतलब एकदम ब्रांड न्यू ही साड़ी है, पहनी ही नहीं है, तो उसको आप 70% 80% तक उसको चार्जेस दे दीजिए। बट हाँ, वो साड़ी पहनी हुई है, 1-1.5 साल हो गया है, और बहुत बार ऐसा ही होता है, पहनी हुई साड़ी होती है, 1 साल 2 साल 4 महीने 6 महीने हो जाते हैं, तो उनको अगर आप 50% अमाउंट आप दोगे काउंटर पे डायरेक्ट, तो आपका प्रॉब्लम इमिजिएटली सॉल्व हो जाएगा। और कस्टमर को भी कह सकते हो आप कि देखिए सर, ये हमने जानबूझ के नहीं किया है, बट अनफॉर्चुनेटली हो गया है, अभी आप कैसे उनको कन्विंस करोगे, वो आपके ऊपर है, तो अनफॉर्चुनेटली डैमेज हो गया, हमने खुद से नहीं किया है, बाकी हमें सारा ये बिल बुक वगैरह इसका भी आप उनको रूल वगैरह दिखा सकते हो, बट हम ये इनके इसके पचड़े में नहीं पड़ेंगे बोलना, ये आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पैसे ही दे रहा हूँ, आप 50% अमाउंट दे दीजिए और पीछा छुड़ा लीजिए। और ऐसा नहीं है कि सामने वाला हर एक कस्टमर इसी तरह से होगा, बहुत सारे कस्टमर मुझसे भी डैमेज होते हैं, थोड़े बहुत आयरनिंग में या ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं उनसे थोड़े बहुत डैमेज होते हैं, मैं कस्टमर को बता देता हूँ। बहुत बार कस्टमर ऐसे होते हैं ना कि सुन लेते हैं, तो आपका बिहेवियर कस्टमर के साथ में कैसा है वो ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। और उसके बाद में कस्टमर अगर मान लेता है ना आपकी बात है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता, एकदम अच्छे से अगर वो बिहेवियर अपना रखता है ना संयम के साथ में, तो आपको उसको लाइफ टाइम तक अच्छे से अच्छी सर्विस देनी है दोस्तों। कोई भी ज़्यादा चार्जेस उनसे आपको नहीं लेने हैं, आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि सामने वाले ने मुझको एक अच्छा चांस दिया है, तो मैं उसको अच्छे से अच्छी सर्विस दूंगा। तो बस दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस लिखिए, अपने सजेशन लिखिए, ज़रूर मैं पढ़ूंगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन फाइलिंग
हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।